एंटीगुआ ने इस बात से साफ इनकार किया है कि पीएनबी बैंक फ्रॉड मामले में आरोपी मेहुल चोकसी को भारत वापस भेजा जाएगा। एंटीगुआ की तरफ से आए इस बयान के बाद धोखाधड़ी कर भारत से भागे मुख्य आरोपियों में से एक कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाना मुश्किल हो गया है। इससे पहले कुछ रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा था कि एंटीगुआ और किट्स में बैठे पीएनबी धोखाधड़ी के आरोपियों मेहुल चोकसी और जतिन मेहता को लाने के लिए एयर इंडिया का बोइंग विमान भेजा गया है। खबर आ रही थी कि इन्हें लाने के लिए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी कैरेबियन द्वीप जाने वाले थे। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री कार्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ लियोनल हर्स्ट ने कहा कि मेहुल चोकसी अब एंटीगुआ का नागरिक है और वहां की सरकार उससे नागरिकता नहीं छीन सकती। हर्स्ट ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि भारत से कोई अधिकारी उनके देश में मेहुल चोकसी को लेने आ रहे हैं। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक के अलावा भारतीय स्टेट बैंक को भी बड़ी चपत लगाई। अपने भांजे नीरव मोदी के साथ फरवरी 2018 में 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर फरार चल रहे मेहुल चोकसी ने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर एसबीआई से कर्ज लिया था। कर्ज की कुल रकम 405 करोड़ रुपए थी जिसकी अदायगी अभी तक नहीं हुई। भारत की नागरिकता छोड़ने वाले पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी से प्रवर्तन निदेशालय पूरी रकम वसूलेगी। ईडी समेत कई एजेंसियां इस मामले पर नजर बनाए हैं और विभिन्न देशों से संपर्क में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।